कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन B.1.617 ने एक्सपर्ट की नींद उड़ा दी है। वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। देश में आंकड़ों का ग्राफ रोजाना 4 लाख के ऊपर पहुंच रहा है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों का कहना है कि नया स्ट्रेन मौजूदा स्ट्रेन N.440K की जगह ले रहा है। इन सब के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या नया स्ट्रेन हवा में फैल रहा है। CCMB के पूर्व डायरेक्टर राकेश मिश्रा का कहना है कि डबल म्यूटेंट की वजह से इस समय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ज्यादा रोगी बीमार हुए। इस साल करीब 5000 वेरिएंट की पड़ताल कर CCMB इस नतीजे पर पहुंचा था कि N.440 के दूसरे वेरिएंट की तुलना में ज्यादा तेजी से फैल रहा है, लेकिन अब B.1.617 इसे भी पीछे छोड़ रहा है। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। एक्सपर्ट भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं है कि कोरोना वायरस हवा से नहीं फैलता है। एक्सपर्ट ने वायरस के हवा में फैलने को लेकर कई सबूत पेश किए हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक वायरस का ट्रांसमिशन आउटडोर की तुलना में इंडोर में ज्यादा होता है, लेकिन इंडोर में अगर पर्याप्त वेंटिलेशन हो तो इसका आशंका काफी कम हो जाती है। दुनिया भर में कोविड संक्रमण फैलने में सबसे बड़ी भूमिका साइलेंट ट्रांसमिशन है। यह मुख्य रूप से एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के संकेत देता है। हालांकि वायरस की हवा में फैलने की संभावना के बाद डरने की जरूरत नहीं है। लखनऊ के SGPGI के हार्ट स्पेशलिस्ट प्रोफेसर सुदीप कुमार कोरोना मरीजों की देखरेख में लगे हैं। उनका कहना है कि खुली हवा में टहलने से जरूरी नहीं कि कोरोना हो, लेकिन आपको सावधानी रखनी होगी। इसका मतलब पार्क और लॉन की खुली हवा से नहीं, अस्पताल, होटल और सभी बंद जगह इस दायरे में आते हैं। बंद जगहों पर अनजान या घर का सदस्य भी संक्रमित हो सकता है। घर की खिड़कियां, दरवाजे खुले रखना उचित होगा। छत या बालकनी में टहल रहे हैं और साथ में कोई है तो मास्क लगाना जरूरी है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।